73वें गणतंत्र दिवस पर मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के इस ऐतिहासिक प्रांगण में एकत्रित हमारे विश्वविद्यालय के एनसीसी के तीनों विंग्स के कैडेट्स, कर्मचारी, अधिकारी, विद्यार्थी एवं शिक्षण में प्रतिबद्ध शिक्षक साथियों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मैं विशेष अभिनंदन करता हूं अपने एनसीसी के उन लगभग 300 कैडेट्स का जो इस भयंकर सर्दी में और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद अपना सर्वस्व इस श्रेष्ठतम प्रदर्शन के लिए रखे। लगातार 3 महीने से उन्होंने परिश्रम किया और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर अपने राष्ट्रीय ध्वज तथा संविधान के प्रति सम्मान व आस्था व्यक्त करते हुए आइए हम सब संकल्पित हों कि संविधान में उल्लिखित जीवन मूल्य हम सब के लिए आदर्श हैं और हम अपनी सोच और व्यवहार में इन आदर्शों का दृढ़ता व निष्ठापूर्वक पालन करते रहेंगे। हमारे विषय, शोध और चिंतन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें देश के प्रति भाव व भक्ति तथा एक सुंदर भारत के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें एक करती है। भारत एक प्राचीन संस्कृति, दर्शन एवं इतिहास की समृद्ध विरासत है। एक ही सूत्र में, एक ही नियमावली व विधि से संचालित होकर एक प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष जनतंत्र के रूप में हमारा यह नया स्वरूप है जो अद्भुत है और अप्रतिम भी। 1930 से ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता आंदोलन के सहभागी पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते रहे और 1950 में इसी दिन हमने स्वयं को एक विराट गणराज्य के रूप में घोषित किया। न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व को हमने औपचारिक रूप से अपने मूल मंत्र के रूप में स्वीकार किया। भारत के संविधान के अनेक आदर्शों में सबसे प्रमुख है एक जनतांत्रिक राजनैतिक समाज का निर्माण जिसमें विविधता एवं एकता केंद्रीय है, जहां समानता, बुनियादी अधिकार तथा सार्वभौमिक मताधिकार महत्वपूर्ण है। हमारा यह संकल्प 1950 में विश्व के अनेक देशों को दुस्साहसी प्रतीत होता था, क्योंकि यूरोप के अधिकांश देशों में प्रजातंत्र की स्वीकृति केवल सीमित मताधिकारों के रूप में हुई थी। राजनैतिक सिद्धांतों एवं जनमत के संतुलन को जोखिम उठाने के लिए तत्पर भारत के संविधान निर्णायकों का सपना आज एक जीवंत प्रजातंत्र के रूप में दिखाई देता है, जिसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं। संविधान राष्ट्र की आशाओं एवं संकल्पों का दस्तावेज है, एक अधिसंरचना जिसके आदर्शों के आलोक में राष्ट्र अपनी हरेक योजना का निर्माण करता है। हम अक्सर भारत के संविधान निर्माताओं की चर्चा फाउंडिंग फादर्स के रूप में करते हैं, पर हमें याद रखना चाहिए कि संविधान सभा की पहली बैठक में ही 192 पुरुषों के साथ 15 महिलाएं भी थीं। 9 दिसंबर 1946 को हस्ताक्षर करती इन महिलाओं में से 4 यूनाइटेड प्रोविंस कहे जाने वाले इसी प्रदेश की थी। यह महिलाएं स्वतंत्रता, समता, भेदभाव विरोध एवं नागरिकता पर चर्चा करती थी। वे अस्पृश्यता उन्मूलन एवं पृथक निर्वाचन के विचार बुलंद कर रही थी। संविधान निर्माण में अपनी मेधा और राजनीतिक तेजस्विता का योगदान करने वाले सभी विद्वानों व विदुषियों को भी मेरा सागर नमन। मेरा दृढ़ मत है कि कोई भी संस्था अपने भवनों व मानव शक्ति से ही नहीं बनती है, उसका विकास उसके सुविचारित विधि सम्मत नियमों के निर्माण एवं उनके समुचित अनुपालन से होता है। जीवंत ऊर्जावान संस्थाएं एक समुचित वैधानिक ढांचे में ही पुष्पित एवं पल्लवित हो सकती है। भारत के संविधान की प्रथम पंक्ति ही हमारी जीवन दृष्टि को घोषित करती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतवासी, यह सहजीवन का बोध उन्हीं प्रेरणाओं के अनुगामी हैं जो हम अपने मंत्रों में सुनते आए हैं। संगच्छध्वं संवद्धध्वं सम्भो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। आप सबको संबोधित करते हुए मुझे आज यह भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण लगता है। 100 वर्ष पूर्व महर्षि अरविंद आत्मोत्कर्ष एवं आत्मशोधन से युक्त
पुनर्बोधन की चर्चा कर रहे थे, आज हम फिर विश्वगुरु की संकल्पना पर विमर्श कर रहे हैं। स्वयं के तथा दूसरों के बनाए जड़तापूर्ण बंधनों से मुक्त होता भारत अपनी शक्ति एवं ऊर्जा से विश्व को आलोकित करे, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। समन्वय, साहस, नवाचार एवं जिज्ञासा के सतत प्रवाह के रूप में भारतीय इतिहास को देखना शिक्षाप्रद है। आध्यात्म के मूल्यों के साथ ज्ञान विज्ञान, तकनीक, कला, राजनीति इत्यादि सभी क्षेत्रों में भारतीय मनीषा ने अद्भुत एवं विविध प्रयोग किए, जिसका परिष्कार, परिमार्जन एवं नवीनीकरण सदियों तक होता रहा। इस रचनात्मकता के प्रवाह में कुछ समय कुछ शिथिलता आई और कहीं कहीं पर जड़ता भी आई, परंतु साहसी मनीषियों ने अपनी रचनात्मकता एवं उदार कर्मठता से मानवीय मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के आंदोलन लगातार किए, जिनके कारण ही यह जीवन संस्कृति बनी रही। बीते दो वर्ष हमारे लिए बहुत सी चुनौतियां लेकर आए, जिनके साथ जूझते हुए हमें कष्ट भी हुए, लेकिन इस काल में हमने अपना पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर भी पाया। शिक्षा में तकनीक का महत्व इन वर्षों में हमने बहुत गहराई से अनुभव किया, साथ ही हमने जीवन के मूल्यों में करुणा एवं सेवा का महत्व भी अनुभव किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें प्राचीन संस्कृति के पुनर्पठन तथा पुनर्मूल्यांकन का अनुस्मरण करा रही है। यह 100 वर्ष पूर्व के भारतीय पुनर्जागरण के स्वर की याद दिला रही है। यह एक सचेत, सयास, आत्मचेतन तथा नवाचार का स्वर है। परंपरा एवं आधुनिकता के इस काल में राममोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, कलाविद आनंद कुमार स्वामी, महर्षि अरविंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ, स्वामी दयानंद आदि सभी का पुनर्पाठ मूल्यवान है। भाषाओं का सम्मान संस्कृतियों से जुड़ा है। संस्कृत के बाहर बंगला, अंग्रेजी तथा हिंदी में शास्त्रों का अनुवाद महत्वपूर्ण था और आज भी है। मुझे सदैव विवेकानंद की भारतीयता इस संदर्भ में याद आती है, जो भारत को पुण्य भूमि कहते हैं, पर यह पुण्य भूमि एक पृथ्वी का खंड मात्र नहीं रही है, यह आत्ममंथन और आध्यात्म की अंतस्थली है। मुझे विश्वास है आधुनिक तकनीक व गंभीर शास्त्रीय अध्ययन के माध्यम से यह विश्वविद्यालय भी भारत की गौरवमयी परंपरा को संग्रहित एवं प्रचारित करेगा। मानव शास्त्र विभाग का संग्रहालय, हमारा अभिनव गुप्त संस्थान हमारे इन्हीं प्रयासों के उदाहरण हैं, जिन्हें हमने नवीनीकृत किया और उच्चीकृत भी किया। लखनऊ के इस गौरवशाली विश्वविद्यालय में यह मेरा 3रा वर्ष है। मुझे गर्व है और संतोष भी कि मैं भी इसके इतिहास में सहयोगी बन सका। बीते 2 वर्षों में दुनिया की परिस्थिति ने सभी क्षेत्रों की तरह शिक्षा क्षेत्र को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपदा को अवसर में बदला व यहाँ की व्यवस्था को समयानुरूप बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। संवाद हमारी इस नई व्यवस्था के केंद्र में रहा। नतीजतन बीते 2 वर्षों में हमारी नई वेबसाइट पर विजिटर्स की संख्या 6 करोड़ से बढ़कर 11 करोड़, ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या 1600 से बढ़कर 25,000 तथा नवसृजित यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या 20,000 हो। स्पीड, एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी अर्थात गति, सटीकता और पारदर्शिता पर आधारित एक व्यवस्था कैसे छात्रहित का कारक बन सकती है, यह पूरे भारत ने देखा। नई शिक्षा नीति के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का नेतृत्व किया। राष्ट्र का शीर्ष नेतृत्व हमसे अपेक्षा रख रहा है कि हम अगले 50 वर्षों में कैसी शिक्षा चाहते हैं, उस पर विमर्श ही नहीं बल्कि उसका नेतृत्व भी करें। इस महान विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास, इसके वर्तमान की शैक्षिक व शोध उपलब्धियों को विश्व के साथ अधिक पारदर्शी एवं प्रमुखता से साझा करते हुए मुझे अत्यंत संतोष का अनुभव होता है। कठिन काल में छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहयोग एवं सांस्कृतिक रचनात्मक मंचों का वास्तविक व आभासी प्रयत्न भी हमारे विद्यार्थियों व अध्यापकों की सार्थक उपलब्धि रही। हम सबको यह सतत स्मरण रखना चाहिए कि विश्वविद्यालय मुख्यतः एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां छात्रों की संभावनाओं को साकार स्वरूप दिया जाता है। इसके लिए यह विश्वविद्यालय एक छात्र केंद्रित व्यवस्था के सृजन का सतत प्रयास कर रहा है, जहाँ कुलपति से लेकर सफाई कर्मी तक सब छात्र हित एवं संस्था हित में
अपने संपूर्ण समर्पण के साथ संलिप्त हैं। बीच बीच में कुछ बाधाएं भी आती हैं, लेकिन हमें यह स्मरण रखना है कि हर निर्माण, हर सृजन, हर विकास में बाधाएं अवश्य आएंगी। इन बाधाओं से हमें विचलित न होकर अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना है, चलते रहना है। मैं बधाई देना चाहता हूँ सृजन के यज्ञ में शामिल उन सभी लोगों को जिन्होंने दिन रात एक कर विश्वविद्यालय की व्यवस्था को तथा इसकी छवि को एक नई पहचान दी है। जीवेम शरदः शतम् के अनुरूप यह विद्यास्थली 100 वर्ष देख चुका है। नए संदर्भों में, नई ऊर्जा से, अधिक व्यापक संकल्प से यह सहस्त्र वर्षों तक चमकता रहे, इसके लिए क्रमिक लेकिन सतत विकास अपेक्षित है, बिना रुके, बिना थके। मुझे विश्वास है एक समावेशी, उदार, समतामूलक, मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत समाज बनाने हेतु यह विश्वविद्यालय आगे भी अपना महत्वपूर्ण योगदान करता रहेगा। परिवर्तनों के परिणाम कुछ समय लगाते हैं, हमारे समवेत प्रयास भी कुछ समय अनुकूलन व समायोजन की अपेक्षा करेंगे। शैक्षिक परिसर राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण घटक हैं। हमारी रीति नीति संस्कृति बन जाती है और इसी से होता है राष्ट्र निर्माण। लखनऊ विश्वविद्यालय अपने दायित्व बोध से जागृत है। हमें जागृत रहना है, आगे बढ़ना है, अपने गणतंत्र के साथ, अपने राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका के निर्वहन के साथ, नए उत्साह से, कर्तव्य बोध से, राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता से, ज्ञान के, सत्य के अपने प्रयासों में स्वयं को पुनः संकल्पित करते हुए आइए हम सब इस गणतंत्र दिवस पर भारत को नमन करें। जय हिंद, जय भारत।